हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रत्येक एचडी पर। फ्रेंड्स, हमारी नॉट जस्ट स्टूडेंट से चल रही है और ये हमारी नॉट जस्ट स्टूडेंट पार्ट 20 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिडिलवेयर इन एक्सप्रेस जेएस। तो हमने हमारे प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सप्रेस जेएस के बारे में देखा था, एक्सप्रेस जेएस क्या होती है और एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल भी किया था। आज हम एक्सप्रेस जेएस के मिडिलवेयर देखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस मिडिलवेयर क्या होते हैं और उन्हें आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे वीएस कोड पर, एंड ये है वीएस कोड, एंड यहाँ पर हमें एक सर्वर क्रिएट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक फाइल ओपन करते हैं सबसे पहले app.js, एंड यहाँ पर हम लिखेंगे const http, एंड यहाँ पर हम रिक्वायर करेंगे रिक्वायर http, देन यहाँ हम लिखेंगे http डॉट क्रिएट सर्वर, एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, देन इसे हम करेंगे लिसन, तो यहाँ पर डॉट लिसन, एंड यहाँ पर हम कर देते हैं 2000 पोर्ट पर, एंड यहाँ पर हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर हम कुछ भी लिखेंगे एंड सेव करेंगे। एंड अगेन अगर हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं npm स्टार्ट, देन एंटर हिट करेंगे, तो देखिए हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। और अगर हम वेब ब्राउज़र पर आते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं लोकल होस्ट 2000, देन एंटर हिट करेंगे, तो ये देखिए कंटिन्यू लोडर चल रहा है, लेकिन हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा बेसिक नोड जेएस सर्वर स्टार्ट हुआ है अभी। यहाँ पर हमने अभी एक्सप्रेस जेएस का कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए हैं, तो अब हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देन इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायर करना होगा कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर, एंड यहाँ पर हम करेंगे रिक्वायर एक्सप्रेस को, जो हमारी एक्सप्रेस जेएस हमने इंस्टॉल की थी, एंड सेव करके अगेन हम सेव करते हैं तो हम देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो हमें यहाँ पर एरर मिल रही है रिक्वायर की, हमने रिक्वायर की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। तो यहाँ पर लिखते हैं रिक्वायर एंड अगेन सेव करेंगे, तो देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, हमारे पास पैकेज रिलेटेड कोई एरर नहीं आई है। एंड इसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू, इसमें हम एक्सप्रेस फंक्शन असाइन कर देंगे, एंड ये ऐप जो है ये हमारा एक मिडलवेयर है, हम इसका यूज़ करके मिडलवेयर को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमें अगर मिडलवेयर कॉल करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट यूज़, एंड इस मिडलवेयर के अंदर हम एक फंक्शन पास करेंगे। यहाँ पर हमारा एक फंक्शन होगा एनोनिमस, एंड इसमें हम देंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देन नेक्स्ट। तीनों पैरामीटर्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि रिक्वेस्ट क्यों यूज़ होता है, रिस्पॉन्स क्यों यूज़ होता है, एंड नेक्स्ट क्यों यूज़ होता है। आज हम केवल मिडिलवेयर देख रहे हैं, तो मिडिलवेयर देखेंगे हम किस तरीके से मिडिलवेयर कॉल करते हैं एंड उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड मिडिलवेयर में हम यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग इन यूज़, एंड इसे हम करते हैं सेव। एंड सेव करने के बाद हम इस ऐप को पास करेंगे जिस जगह पर हमारा फंक्शन है एनोनिमस, यहाँ पर हम इसे एसडीस पास कर देंगे एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखिए हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, कोई एरर नहीं है। एंड अगर हम अगेन हमारा यूआरएल हिट करेंगे तो ये देखिए आ चुका है इन यूज़, मतलब जो एक्सप्रेस के हुक एक्सप्रेस के मिडिलवेयर होते हैं वो एसडीस उसी तरह से काम करते हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। लेकिन इसमें और उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ये एक्सप्रेस के होते हैं, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की राउटिंग भी कर सकते हैं। हम आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि आप अभी यहाँ पर केवल यूज़ लिख रहे हैं, आप यहाँ पे गेट भी लिख सकते हैं, पोस्ट भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली गेट और पोस्ट टाइप की राउटिंग भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ऐप डॉट गेट, एंड यहाँ पर हम दे देते हैं
स्लैश एग्जाम्पल, और यहाँ पर अगर हम हमारा एनोनिम फंक्शन बना देते हैं, इसे हम ऊपर ले लेते हैं क्योंकि ये ऑर्डर के कारण, यहाँ पर हम इस पे तीनों पैरामीटर देते हैं, एंड यहाँ पर हमें देना होगा कॉमा, और यहाँ पर हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग एग्जाम्पल राउट, एंड इसे हम करेंगे सेव। एंड अब हम एग्जाम्पल हिट करेंगे स्लैश एग्जाम्पल, देन एंटर हिट करेंगे, तो ये देखिए आ चुका है एग्जाम्पल राउट। और अगर हम इसे कर देते हैं पोस्ट एंड सेव करते हैं, एंड अगेन हिट करेंगे, तो देखिए ये डायरेक्टली यूज़ में जा रहा है क्योंकि ये पोस्ट टाइप का राउट हो चुका है। यहाँ पर आपने मेथड पोस्ट दे दिए, तो अब आप डायरेक्टली इसे हिट करेंगे तो ये गेट रिक्वेस्ट होती है, और गेट रिक्वेस्ट डायरेक्टली पोस्ट को हिट नहीं कर सकती है, तो ये इस फंक्शन में ही जा पा रहा है। अब ये डायरेक्ट यूज़ में जा रहा है क्योंकि यूज़ डिफ़ॉल्ट है, अगर कोई राउट नहीं मिलेगा तो वो यूज़ को हिट करता है, और अगर राउट मिल जाता है तो वो इसे यूज़ हिट करता है। तो इसे हम करते हैं गेट एंड अगेन रिलोड करेंगे, तो देखिए एग्जाम्पल राउट में आ चुका है। तो फ्रेंड्स ये होते हैं मिडिलवेयर इन एक्सप्रेस जेएस और नॉर्मल नोड जेएस के जो हम सर्वर क्रिएट करते हैं और उसमें, और एक्सप्रेस जेएस के मिडिलवेयर का यूज़ करके जो हम सर्वर क्रिएट करते हैं उसमें ये डिफरेंस होता है कि आप डायरेक्टली अपनी मेथड डिफाइन कर सकते हैं एंड नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो नोड जेएस की कोर सर्वर क्रिएट करने की टेक्निक थी उसमें आपको रिक्वेस्ट से पता करना होता था कि रिक्वेस्ट कौन सी है, देन उसे कंडीशनल मैनेज करना होता था, लेकिन एक्सप्रेस में आपको डायरेक्टली इसे हैंडल करने का फीचर मिलता है। तो ये फीचर होता है एक्सप्रेस के मिडिलवेयर का। तो फ्रेंड्स ये था एक्सप्रेस के मिडिलवेयर से रिलेटेड ट्यूटोरियल, जिसमें हमने बेसिक देखा कि एक्सप्रेस का मिडिलवेयर हम किस तरह से इंस्टॉल करते हैं एंड उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड उसके क्या क्या फीचर होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के स्टूडेंट नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट टूटल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।